मूवी के शुरुआत में हमें एक जंगल दिखाया जाता है। उस जंगल में हैजोक रहती हैं, जिसका नाम लाटे होता है। लाटे का कोई दोस्त नहीं था, वहाँ अकेली रहती थी। उसी के पास एक पेड़ पर गिलहरियों का परिवार रहता था। उस जंगल में पानी की बहुत समस्या थी। वहाँ रहने वाले जानवर पहाड़ से टपक रही पानी की बूंदों को इकट्ठा करके अपना काम चलाया करते थे। लाटे की तरह जोमू का भी कोई दोस्त नहीं था। जोमू देखता है कि बाकी जानवरों के बच्चे खेल रहे हैं, जोमू से रहा नहीं जाता और वो भी उनके साथ खेलने के लिए चला जाता है। वहाँ जाने पर वे बच्चे जोमू को बुली करने लगते हैं। जब लाटे ये देखती हैं तो वह उन बच्चों को डराने लगती हैं, पर इसमें जोमू का ही मजाक बन जाता है और वो लाटे से गुस्सा होकर घर आ जाता है। घर पर जब जोमू बैठा होता है तो उसका अखरोट लाटे के घर पर गिर जाता है। जोमू अखरोट लेने के लिए जाता है, लाटे उसे उसका अखरोट लौटा देती हैं। यहाँ पर जोमू देखता है कि लाटे के हाथ में पानी है, तो लाटे से पूछता है कि ये पानी किसका है। लाटे जवाब देती हैं कि ये पानी उसका है, उसने जमा किया है। तो जोमू उससे पानी छीन लेता है और उस पानी को पंपकेट में डालने के लिए वहाँ से भागने लगता है। लाटे भी उसके पीछे पीछे जाने लगती हैं। जब जोमू पंपकेट के पास पहुंचकर पानी उसमें डालने लगता है तो उन दोनों में छीना झपटी होती हैं। इसी छीना झपटी के चलते जोमू पंपकेट के अंदर गिर जाता है और पंपकेट फूट जाता है, जिससे सारा पानी वेस्ट हो जाता है। ये देखकर वे दोनों छुप जाते हैं। आज पानी की समस्या को लेकर एक मीटिंग रखी गई थी। इस मीटिंग में सारे जानवरों को बुलाया गया था। सारे जानवर तालाब के किनारे इकट्ठे हो जाते हैं और मीटिंग शुरू होती है। वे पानी की समस्या को लेकर बातचीत कर ही रहे होते हैं कि इतने में दो वाइल्ड बोर भागते हुए आते हैं और उन्हें बताते हैं कि पंपकेट किसी ने तोड़ दिया है, जिससे सारा पानी वेस्ट हो गया है। सभी का शक लाटे पर जाता है, क्योंकि वो हर वक्त कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दिया करती थी। ये देखकर जोमू सभी को बताता है कि पंपकेट लाटे ने नहीं बल्कि मैंने तोड़ा है। ये सुनकर सारे जानवर शौक हो जाते हैं। इतने में वहाँ पर एक कौवा आता है, जो उन सभी को एक मैजिक स्टोन के बारे में बताता है। वो बताता है कि सालों पहले इस जंगल में एक मैजिक स्टोन आकर गिरा था, जिससे इस जंगल में पानी आया था और किसी को भी पानी की समस्या नहीं होती थी। पर एक दिन भालुओं के राजा मेंटस ने यह स्टोन चुरा लिया। उसके बाद से इस जंगल में पानी की समस्या पैदा हो गई। पर कौवे की इस बात पर कोई भी यकीन नहीं करता, क्योंकि उनके हिसाब से ये कौवा हमेशा झूठ बोलता था। पर लाटे कौवे की बात पर यकीन कर लेती हैं और वो उस मैजिक स्टोन की तलाश में निकल जाती हैं। रास्ते में उसे एक ऊदबिला मिलता है, जो सुकी नदी में डैम बना रहा होता है। लाटे उससे पहाड़ी तक जाने का रास्ता पूछती हैं। ऊदबिला उसे सुकी नदी में चलते जाने को बोलता है। इधर जोमू काफ़ी परेशान होता है। जोमू के माता पिता जोमू को सांत्वना देते हैं कि लाटे कहीं नहीं जा रही हैं, वो सिर्फ नाटक कर रही हैं। वही लाटे चलते चलते थक जाती हैं और अब रात भी काफ़ी हो चुकी थी। लाटे एक जगह ढूंढ कर वहाँ पर सो जाती हैं। अगले दिन जब जोमू उठकर लाटे के घर पर उसे बुलाने जाता है तो लाटे वहाँ पर नहीं होती। जोमू समझ जाता है कि लाटे मैजिक स्टोन की तलाश में चली गई हैं। जोमू लाटे को ढूंढने निकल जाता है। लाटे उसे मिल जाती हैं। वो लाटे को समझाने की कोशिश करता है कि हमें वापस घर लौट जाना चाहिए, यहाँ पर बहुत सारे जंगली जानवर होंगे जो हमें खा जाएंगे। पर लाटे ने मन बना लिया था कि वह मैजिक स्टोन को ढूंढकर ही रहेगी, इसलिए वो वापस जाने से मना कर देती हैं। इतने में एक तेंदुआ उन पर हमला कर देता है। वो तेंदुआ उन्हें मारने ही वाला होता है कि इतने में सूखी नदी में डैम बना रहा ऊदबिलाव उस तेंदुए पर एक तना गिरा देता है, जिससे जोमू और लाटे दोनों बच जाते हैं। लाटे अपने आगे का सफ़र जारी रखती हैं। जोमू उसे समझाता रहता है कि हमें वापस लौट जाना चाहिए। इसी बात पर उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। लड़ाई करते करते वे एक गुफा में जा गिरते हैं। वो गुफा थी एक मेंढक राजकुमारी की। वो उन दोनों को आज की रात यहीं पर गुजारने को कहती हैं और वो उन्हें खाने के लिए भोजन भी देती हैं। खाना खाकर वे दोनों वहीं पर सो जाते हैं। अगले दिन वो राजकुमारी उन दोनों को कहती हैं कि अब तुम्हारा सफ़र एक पथरीली ज़मीन से होकर शुरू होगा, जो कि बहुत ही गर्म इलाका है और वहाँ पर भेड़ियों का राज चलता है। वो उन्हें इस सफ़र के लिए कुछ अंगूर भी देती हैं, ताकि जब उन्हें प्यास लगे तो वो इन अंगूर से अपनी प्यास बुझा सके। लाटे और जोमू अपना सफ़र शुरू कर देते हैं। चलते चलते लाटे काफ़ी थक जाती हैं और उसे बहुत ज़्यादा प्यास भी लगी थी।
वो जो मुँह से अंगूर मांगती हैं, जो मुँह से अंगूर देने ही वाला होता है, कितने में वो देखता है कि जंगल के सारे जानवर किसी से डर कर भाग रहे हैं। तभी कुछ भेड़िए उन्हें घेर लेते हैं। वो उन दोनों को मारकर दावत बनाना चाहते थे, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि ये दोनों बालुओं के राजा मेंटस से मैजिक स्टोन लेने जा रहे हैं, तो उन्हें जाने देते हैं, क्योंकि उन भेड़ियों को भी मैजिक स्टोन की ज़रूरत थी। पर उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वे बालुओं के राजा मेंटस से पंगा ले सके। लाटे और जोमू आगे बढ़ते जाते हैं। आगे उन्हें एक खाई दिखाई देती है, जिसे देखकर जोमू लाटे को वापस घर चलने को बोलता है, पर लाटे उसकी कोई बात नहीं सुनती। इसी कारण उन दोनों में झगड़ा हो जाता है और गलती से लाटे एक खाई में गिरती हैं। वही जोमू वहाँ पर कुछ भालुओं को देखता है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि ये वही जगह है जहाँ पर उन्हें मैजिक स्टोन मिलेगा। वो ये बात लाटे को बताने के बारे में सोचता है, पर चट्टान के टूटने से वह नीचे गिर जाता है। वह उन भालुओं से बचने के लिए एक भालू के शरीर में छुप जाता है, जिसका नाम था अमारू। वह भालुओं के राजा मेंटस का बेटा था। अमारू पहरेदार से छुपा कर जोमू को अपनी गुफा में ले आता है। इधर लाटे किसी तरह उस खाई से निकल कर बाहर आ जाती हैं। बाहर आने पर उसे एक गुफा दिखती हैं। लाटे बहुत थकी हुई थी, वो उस गुफा में जाकर आराम करने लगती हैं। कुछ देर बाद वहाँ पर एक बूढ़ा हैजोक आता है। एक गुफा उसी की थी। वो लाटे को इस तरह सोता हुआ देखकर उसे जगाता है। लाटे एक हैजोक को देखकर काफ़ी खुश होती हैं, क्योंकि वो वर्षों से अकेले ही रही थी। वो बूढ़ा हैजोक लाटे को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता। वो लाटे से कहता है कि हम हैजोक हैं और हैजोक हमेशा अकेले ही रहते हैं। ये बोलकर वो लाटे को वहाँ से निकाल देता है। आगे अमारू जोमू को बताता है कि जब उनके इलाके में सूखा पड़ गया था, तो उसके पिता मेंटस ने एक जादुई पत्थर लाया था। इस जादुई पत्थर की वजह से उनके पानी की समस्या दूर हो गई। जोमू अमारू को बताता है कि उसके पिता मेंटस ने ये पत्थर चुराया था, जिसकी वजह से जंगल के सारे जानवरों को तकलीफ हो रही है। ये सुनकर अमारू को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो अपने पिता को एक हीरो समझता था। वो जोमू के साथ मिलकर उस मैजिक स्टोन को उसके सही जगह पर रखने का वादा करता है, ताकि जंगल के सारे जानवरों को पानी मिल सके। इधर लाटे दोबारा उसी बूढ़े हैजोक के पास जाती हैं और उसे जादुई पत्थर का पता पूछती हैं। वो बूढ़ा हैजोक उसे मेंटस की गुफा के बाहर ले जाता है और उसे एक झरने से होकर अंदर जाने को बोलता है। वही आधी रात को अमारू जोमू को लेकर बाहर लाटे को ढूंढने जा रहा होता है। वो गेट कीपर जोमू को पकड़ लेता है। आगे जब लाटे तैरते हुए गुफा के अंदर पहुंचती हैं, तो वहां पर भालुओं का राजा मेंटस आराम फरमा रहा होता है। इतने में भालुओं के गार्ड लाटे को पकड़ लेते हैं और उसे एक घुसपैठिया समझकर कैद कर लेते हैं। वहां पर जोमू भी होता है, जिसे भी राजा के गेट कीपर ने कैद कर लिया था। जोमू लाटे को अमारू के बारे में बताता है। अगले दिन अमारू आकर उन दोनों को कैद से छुड़ा रहा होता है कि इतने में राजा के सैनिक वहाँ पर आ जाते हैं और वो उन तीनों को पकड़ लेते हैं। फिर उन्हें राजा के सामने पेश किया जाता है। उस वक्त रालुओं के राजा मेंटस नाच गाने की तैयारी कर रहे होते हैं। वो अपने सैनिकों को उन दोनों को बाहर फेंकने का आदेश देता है और नाच गाना शुरू हो जाता है। फिर सभी भालू नाचने गाने में व्यस्त हो जाते हैं। मौका पाकर जोमू और लाटे उस मैजिक स्टोन को चुरा लेते हैं और राजा के बेटे अमारू की मदद से वे दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। वे एक खाई को पार कर ही रहे होते हैं कि इतने में राजा मेंटस वहाँ पर आ जाता है। वो उन दोनों को पकड़ने की कोशिश करता है, पर उसके भारी वजन की वजह से लकड़ी टूट जाती है और राजा मेंटस खाई में गिर जाता है, जिससे उन दोनों को वहाँ से बस निकलने का समय मिल जाता है। वे दोनों पत्थर को उसके सही जगह पर रखने के लिए माउंटेन की तरफ चल देते हैं, लेकिन तभी राजा मेंटस भेड़िया और वो तेंदुआ आकर उन दोनों को घेर लेते हैं। वे तीनों उसी जादुई पत्थर को हासिल करना चाहते थे। लाटे उन सभी को कहती हैं कि जोमू उस जादुई पत्थर को तीन छिलके के नीचे रखकर घुमाएगा और जो भी ये बता देगा कि वो पत्थर कौन से छिलके के नीचे हैं, वो पत्थर उसका हो जाएगा। इस बात के लिए वे तीनों तैयार हो जाते हैं। जोमू अपना जादू शुरू करता है, पर किसी को भी पत्थर नहीं मिलता, क्योंकि चालाकी से जोमू ने वो पत्थर लाटे को दे दिया था। लाटे उस पत्थर को उसके सही जगह पर रख देती हैं, जिससे सारे जंगल में पानी दोबारा से आ जाता है और सभी लोगों को समान रूप से पानी मिलना शुरू हो जाता है।
इस तरह लाटे अपनी कोशिश से सारे जंगल के जानवरों के प्यास के कारण मरने से बचा लेती हैं और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।